किरण की सास वीना बहुत ही चटोरी थी। उसका हर वक्त कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन किया करता था, जैसे चाउमीन, समोसे, बर्गर और चिल्ली पटेटो। यहाँ तक कि वो अपनी बहू से भी काफी अलग अलग तरह के खाने बनवा कर खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह अपनी बहू से कहती है, बहू आज मेरा मन आम की चटनी खाने का कर रहा है, तुम खाने में जरूर बनाना, ठीक है ना? ठीक है, मैं आम की चटनी बना देती हूँ। साथ में छोले भटूरे भी बना देना, खूब तीखे और चटपटे से। लेकिन माँ जी, मैंने तो दाल रोटी बनाई है, तो क्यों ना आप वही खा लो। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं खानी दाल रोटी, मेरे लिए तो छोले भटूरे बना ले। मैंने सभी के लिए खाना बना दिया है, अब एक घंटे में मैंने सभी के लिए वो खाना बनाया है, और आप कह रही हैं कि मैं फिर से किचन में जाऊं और छोले भटूरे बनाऊं। हाँ तो बना नहीं सकती क्या? आज से पहले तो तू मेरे लिए सब कुछ बना देती थी। वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा खा रही हो, आपकी सेहत के लिए ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू मुझे मत बता मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तुझे जो काम बोला गया है तो वो कर। ये भगवान, पता नहीं कहाँ से इतनी चटोरी सास पल्ले पड़ गई, हमेशा अलग अलग खाने की फरमाइश करती रहती है। जा अब बना ले जाकर, क्या सोचने लग रही है? बना रही हूँ। अपनी सास के कहने पर किरण कुछ ही देर में सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है। लीजिए आपके छोले भटूरे और आम की खट्टी मीठी और तीखी चटनी। मेरे मुंह में तो पानी ही आ रहा है। कितना स्वाद बनाया है तूने, मजा ही आ गया खाकर। किरण के हाथों के पकवान वीना बहुत मजे से खाती है। तभी उसका बेटा दिलीप और पति हीरा लाल वहाँ आते हैं और वीना को चटकारे लेते देखकर कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हें तो मजा ही आएगा ना, इतना तीखा जो खाती हो। हाँ तो क्या, तुम लोगों की तरह ये रूखा सूखा खाना खाती रहो, तुम भी खाओ छोले भटूरे, देखो कितने स्वाद बनाए हैं बहू ने। किरण ये तुमने बनाए? हाँ तो मैं क्या करती, माँ की जिद के सामने कभी किसी की चली है क्या जो मेरी चलेगी। वीना ये सब खाना कम कर दे, अब तेरी सेहत के लिए भी ये सब सही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, सभी को मेरी सेहत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। ठीक है हम नहीं कर रहे फिक्र, खाओ तुम्हें जो खाना है खाओ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ये सब ऐसे ही चल रहा होता है। सास काफी तरह तरह के भोजन बनवाती है और बहू भी बनाती है। वहीं अब किरण भी अपनी सास के इन चटोरेपन से परेशान होने लगी थी, लेकिन वो बनाती और सबको खिलाती। यार तुम ये सही नहीं करती हो, माँ को रोज ये चटपटा खाना खिलाती हो, अरे कितना नुकसानदायक होता है पता भी है तुम्हें कुछ? पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो क्या, माँ तो पिताजी की भी नहीं सुनती है। हाँ हाँ बेटा इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने भी देखा है बहू को, ये तेरी माँ को कम नमक मिर्च वाला खाना देती है तो वो कहती है कि मैं खाऊंगी ही नहीं। ये सब सुनकर वीना आकर बोलती है, अरे अब ऐसा क्या हो गया जो सबको मेरे खाने से दिक्कत होने लगी है। अरे नहीं माँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं आपके खाने से, पर आपको पता है इतना मिर्च मसाला खाने वाले को पेट की बीमारी हो जाती है और कुछ नहीं। आए हाय कीड़े पड़े तेरे मुँह में, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, भला खाना खाने से जिसको बीमारी होती है होती रहे, मुझे नहीं होगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज देखी थी जिसमें एक आदमी को ऐसे ही रोज रोज कुछ ना कुछ चटपटा खाने की आदत थी, लेकिन इस आदत की वजह से हमेशा के लिए उसका लीवर खराब हो गया। हाँ हाँ तुम तो कहोगी ही, तुम्हें बनाना जो पड़ता है मैं सब जानती हूँ, तुम कैसे बेमन से खाना बनाती हो। रहने दो बहू, इसको तो कुछ समझाना ही बेकार है, बेटा तुम रहने दो इसे अपने हाल पे। बेचारी किरण अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी सास के कहने पर कुछ ना कुछ पकवान बनाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन किरण की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से किरण अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। अब वीना और हीरा लाल ये दोनों ही घर में, जिसके कारण वीना को खुद ही खाना बनाना होता था, और हीरा लाल वीना से कहता है, वीना आज तो कुछ साधारण सा ही खाना बनाना, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे क्यों,
मैं ये बीमारों वाला क्यों खाना खाऊं? मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। देखो बहू वैसे भी घर पर नहीं है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो सभी परेशान होंगे, तो तुम रहने दो, अपना सादा खाना ही बनाओ। तुम्हें जो खाना है तुम अपने लिए बना लो, लेकिन मैं तो बाहर का ही खाना खाऊंगी। अरे तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर वीना बाहर जाकर टिक्की और बर्गर खाकर घर में आती है और आकर आराम से सो जाती है। शाम होने पर वीना रसोई में काम कर रही होती है, तभी हीरा लाल उससे बोलता है। अरे वीना कहाँ हो, तुम जरा एक कप चाय तो पिला दो। अरे हाँ हाँ लाती हूँ, सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि समोसे भी खाओ चटनी के साथ। अरे इतना भारी खाना भला कौन खाएगा, और तुम्हें इतना समय मिल भी गया समोसे बनाने का। अरे ना ना मैंने नहीं बनाए हैं, मैं तो सामने वाले हलवाई से लेकर आई हूँ। ना रहने दो तुम ही खाओ, मुझे तो बस चाय दे दो। हाँ हाँ लो तुम चाय ही लो, पता नहीं कितना डरते हो तुम लोग, मुझे देखो मैं तो यही सब खाती हूँ और देखो मैं कितनी फिट हूँ। हाँ हाँ तुम तो बहुत मजबूत हो ना जैसे, पर अब दाल चावल और रोटी भी बना लेना, मैं वही खाऊंगा। ठीक है बना दूंगी। रात के समय वीना हीरा लाल को साधारण खाना बनाकर देती है, जिसके बाद वो खुद बाहर जाती है और वहाँ से चटपटा खाना खाकर घर आती। अब ऐसे ही एक दिन वह सब्जी लेने मार्केट में जाती है, जहाँ उसे पानी पूरी वाला खड़ा दिखाई देता है। वो बिना खाए रह नहीं पाती और जाकर पानी पूरी खाना शुरू कर देती है, और जब वो रात को घर आती है तो उसे बहुत उल्टियाँ होती। ये देखकर उसका पति उससे कहता है, अरे क्या हुआ, तुम तो मार्केट गई थी ना, तो अचानक ये उल्टियाँ क्यों कर रही हो, चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। हीरा लाल अपनी पत्नी को डॉक्टर साहिबा के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहिबा देखिए ना, मेरी पत्नी को अचानक बहुत उल्टियाँ होने लगी हैं, रुक ही नहीं रही है। कहीं इन्होंने बाहर का खाना तो नहीं खा लिया जिसके कारण इनको उल्टी होने लगी। पता नहीं डॉक्टर, अब तो आप ही बताओ कुछ। हाँ हाँ देखती हूँ अभी टेस्ट करके। अरे हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा, मैंने बाजार में ठेले पर पानी पूरी खा ली थी, पर आप मुझे जल्दी से दवा दे दीजिए ताकि ये उल्टियाँ बंद हो जाए। ठीक है दवाइयाँ तो आप ले जाइए, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना कि बाहर का कुछ ना खाएं। ठीक है डॉक्टर साहिबा। ऐसे ही वीना थोड़े दिन तो हल्का फुल्का खाना खाती थी, लेकिन उसे धीरे धीरे आराम होने लगता है, फिर वे बाहर का खाना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वीना बाजार में थी तभी उसे एक टिक्की वाला दिखाई देता है। वो वहाँ से काफी तीखी टिक्की बनवाती है और काफी सारे पानी पूरी भी खा देती है, और फिर रास्ते में उसे उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और कुछ दूर चलकर वो बेहोश हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। बाजार के सभी लोग उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। तभी वो डॉक्टर साहिबा कहीं जा रही थी, वहाँ भीड़ देखकर वो भीड़ के करीब जाती है जहाँ उसे वीना बेहोश पड़ी मिलती है, और तभी वो बोलती है, अरे ये तो वही है जो कुछ समय पहले मुझसे इलाज करवा के गई थी, लेकिन इनको अचानक से क्या हो गया, ये यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं? चलो मैं ही इनको हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ और इनके पति को कॉल करके बुलाती हूँ। डॉक्टर साहिबा वीना को हॉस्पिटल ले आती है और हीरा लाल को भी खबर कर देती है। कुछ ही देर बाद हीरा लाल हॉस्पिटल आकर डॉक्टर साहिबा से बोलता है, नमस्ते डॉक्टर साहिबा, कहाँ है मेरी पत्नी वीना और उसको क्या हुआ है? आइए ये रही आपकी पत्नी, बाहर का ज्यादा खाने से ना इनके पेट का पाचन तंत्र पूरा खराब हो चुका है। अब क्या होगा डॉक्टर साहिबा, हम सब ने कितना समझाया था इसको, पर इसके समझ ही नहीं आती। अब तो बस एक ही इलाज है इनका, इनको समय पर दवाई दीजिए और बाहर का खाना तो आप भूल ही जाइए तो अच्छा होगा। अरे डॉक्टर तो क्या, मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे अरे ऐसा नहीं है, ठीक तो आप बिल्कुल हो जाओगे, पर फिर भी तला हुआ मसालेदार और बाहर का नहीं खा सकती हो आप, अगर खाओगी तो बीमार हो जाओगी। ये सुनते ही वीना बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ दिलीप और किरण
सास की बीमारी की खबर सुनते ही घर वापस आते हैं और घर आते ही किरण बीना से कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी और आपको बहुत जल्द ही ठीक कर दूंगी। लेकिन बहू, डॉक्टर का तो ये कहना है ना कि मैं आप कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, अगर हम सही समय पर इलाज करें और साथ में अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें तो हम काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तुम सच कह रही हो बहू, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ माँ जी ऐसा ही होता है, आप भरोसा रखिए और कभी निराश मत होना, आप जल्द ही बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बहू तुम कहती हो तो मैं भरोसा कर लेती हूँ, नहीं तो डॉक्टर की बातों से तो मुझे यही लगा था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। अरे नहीं, डॉक्टर भी सही कह रहे थे, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद भी आपको अपने खाने का ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं तो पहले से ही अपनी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ, पर मेरी आज समझ में आ ही गया कि हमें अपनों की बातों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुन लेना चाहिए। हाँ वो तो है, पर कोई बात नहीं, अब तो आप समझ ही गई हो ना, वो ही काफी है, कभी भी ऐसा मत करना आगे से। माँ मुझे इसी बात का डर था, तभी आपको समझाता रहता था, लेकिन कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, मैंने पहले ही तुम सबकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी समझ जाओ, आगे के लिए ठीक रहेगा। हाँ वो तो है, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और दवा भी समय से लूंगी। आप चिंता मत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको इतना परेशान होना पड़ा। वैसे तो किरण अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे रोज रोज ये सब बनाना जो पड़ रहा था, लेकिन अब सास के बीमार होने से वो और भी ज्यादा परेशान। बीना का चटोरापन तो खत्म हो गया था, लेकिन सास के बीमार होने की वजह से वो बहुत परेशान होती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। खैर किरण अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और समय के साथ बीना ठीक भी हो जाती है, और अब उसने चटपटा खाना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब सभी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।